शिकों हर हर महादेव, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, कभी कभी हमें भूलकर भी दूसरों से कुछ चीज़ें कभी नहीं लेनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वास्तु के अनुसार कई चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिनका पालन करके व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से दूर रहकर सुख समृद्धि को पा सकता है। ऐसे में वास्तु में कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें ना किसी के साथ शेयर करना चाहिए, ना ही दूसरों से हमें कभी लेना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि उसके पास जो चीज़ नहीं होती है वह तुरंत ही दूसरों से मांग लेते हैं। अगर आप भी इन आदतों में से हैं तो तुरंत ही आप इन आदतों को बदल लें, क्योंकि यह आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। दरअसल वास्तु के अनुसार माना गया है कि दूसरों से मांगी गई चीज़ों के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर चली जाती है। चीज़ लेने के बाद तो आपका लाभ दिखता है, लेकिन कुछ समय बाद आपको कई तरह की हानि का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपको कभी भी किसी से नहीं लेना चाहिए। अगर वह चीज़ आप उनसे लेते हैं तो आपके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और उसकी वह चीज़ के कारण आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है और घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास होता है। घड़ी। वास्तु के अनुसार कभी भी किसी से घड़ी उधार लेकर हमें नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जीवन उसके समय से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का बुरा समय असर चल रहा है, बुरा समय चल रहा है और आपने उससे घड़ी पहन ली है, तो वह बुरा समय आपके जीवन के साथ भी जुड़ जाएगा, जिससे आपके जीवन में भी परेशानी आएगी और आपको भी उसका सामना करना पड़ेगा।